एक टाइम था जब हम किसी कंपनी में 16 घंटे का नाइट शिफ्टिंग लगा रहे थे। हेलो भाई, 16 घंटे सुनकर आपको तो लग रहा होगा भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तो भाई बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन क्या करें, सवाल पैसे का है। और अगर ट्रेवलिंग टाइम को जोड़ लिया जाए तब तो ये 16 घंटे से 20 घंटे तक भी चला जाता था। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों के साथ अपने 16 घंटे नाइट शिफ्टिंग का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो चलो पहले ऑफिस चलते हैं। तो गाइस, संडे की वजह से ये सब गिरा पड़ा है। तो गाइस, ये है हमारा OMCR का सेक्शन। एक सेक रख देते हैं घर पे। और गाइस देख सकते हो पूरा ऑफिस खाली है, क्योंकि आज संडे है और हम लोग का कुछ संडे मंडे नहीं होता, हम लोग का डेली ड्यूटी रहता है। बस हम लोग का शिफ्ट होने वाला सिस्टम है। कोई भी नहीं, वो सौरभ जाएगा। तो अब मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ हमारे कलीग से। सबसे पहले ये है मेरा भाई आमिर, जिसे आपने पहले वीडियो में देखा होगा। और ये है सौरभ, जो कि बहुत ही अच्छा गाना गाता है। ऑफिस पहुंचकर और अपने कलीग से हैंडओवर लेकर हमारा सबसे पहला मिशन होता है एक अपडेट मारना, मतलब साइट्स को अपडेट करके हमारे सीनियर इंजीनियर्स को मेल करना। हम लोग वोडाफोन में एज एन OMCR थे, तो हम लोग वोडाफोन का साइट्स वगैरह अपडेट करके फॉरवर्ड कर देते थे। ये सब कुछ करते करते लगभग 8:30 हो जाता है। उसके बाद अब जाके हमें थोड़ा सा सांस लेने का वक्त मिलता है। अभी हम दोनों ने अपना काम कम्प्लीट कर लिया है। अभी 10 मिनट के लिए हम लोग बेल्कनी में जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कमर का वाट लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा बल्कनी में जाते हैं। बहुत अंधेरा है, भूतिया लग रहा है पूरा। लाइट जला देता हूँ। लाइट जला दिया गाइस। अभी ठीक है ना? और यहाँ से जो व्यू आता है वो तो और भी अच्छा है कि नहीं सौरभ? तो ये जो येलो येलो लाइन है, तो यहाँ पे लोग बैडमिंटन भी कभी फ्री होने से खेलते हैं। हम लोगों ने भी खेला है एक दो बार, ज़्यादा नहीं, तो उतना टाइम ही नहीं मिलता था। क्या स्टेन कैरम खेलने का, अंदर कैरम भी है। तो ऐसा कुछ कुछ छोटा मोटा फैसिलिटीज़ है हम लोग को काम करते हैं। हम लोग ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग तो बहुत बिजी रहते हैं। हम लोग का तो मतलब ऐसा सिस्टम है कि 5 मिनट भी छोड़ के आने से मतलब। अभी हम लोग बेल्कनी में आए, अभी फ़ोन दिखाओ तो, फ़ोन दिखा दो तो सीक्रेट निकल जाएगा बाजू। फोन इसको साथ में लेके घूमते रहना पड़ता है, वरना कभी भी फोन आ जाएगा। बस हम लोग को अभी जाना पड़ेगा, अभी फोन आने से अभी जाना पड़ेगा। तो जो लोग भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि मैं अचानक से ये न्यू ऑफिस में क्या कर रहा हूँ, पुराने ऑफिस का क्या हुआ, क्या हमें वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया या हमने वहाँ रिजाइन मार दिया? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमें एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया। आज हम लोग का लास्ट ड्यूटी मे बी, तो बाय बाय, अब हम लोग क्रिस्टल बस में मिलते हैं। ये था हमारा वर्क स्पेस, जो कि पहले कुछ इस तरह का दिखता था, पर अब MSC एक्सटेंड करने के लिए इस रूम को खाली कर दिया गया। और इस खाली रूम को देखकर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि यहाँ 4 महीने तक काम करने के बाद इस जगह से कुछ लगाव सा हो गया था। मगर साथ ही हम एक्साइटेड भी थे, क्योंकि अब हमें शिफ्ट कर दिया गया था क्रिस्टन बस्ती। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mind. Excitement के साथ ही nervousness भी भरा पड़ा था, क्योंकि हम लोग वहाँ obviously घूमने तो जा नहीं रहे थे, वहाँ जाकर भी हम लोग को काम ही करना पड़ता। तो हम लोग न्यू चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी रेडी हो गए। हाँ सर, क्या हुआ? सिर्फ 2 घंटे हो गए, अभी तक अपडेट नहीं आया। हाँ सर, कर रहा हूँ 5 मिनट। जल्दी करो, मुझे अभी एक अपडेट चाहिए जल्दी। हेलो, खाना खाने यहाँ पे प्लेट रखा रहता है हमारा। रात के टाइम में ये ऑफिस कम घर ज्यादा लगता है, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे किचन टाइप, फिर यहाँ पे एक बेल्कनी भी है, देखते हो हमारा चावल टिफिन में रहते रहते राइस केक बन जाता है।
हैप्पी बर्थडे, पूरा केक जैसा बन गया है। तो गाइस देख सकते हो हम लोग का सिचुएशन कभी कभी ऐसा होता है। यहाँ पे खाना हम लोगों ने निकाल के रखा है, पर यहाँ पे कॉल आ गया, कोई इम्पोर्टेंट कॉल, तो हमें खाना वाना छोड़ के सब कुछ देखना पड़ता है। आप अच्छा ठीक है जितना ये करने के बाद स्ट्रगल करने के बाद अभी जंग लड़ के आए अभी हम लोग को खाना खाने का टाइम मिला है। ऐसा ही होता है, खाना खाने टाइम में ही फोन आ जाता है और उसी टाइम हम लोग को साइड चेक करना पड़ता है। इससे अच्छा, सबसे अच्छा जब खाना खाने टाइम फोन आता है तब फिर फोन आ गया। तो हम अपना डिनर लगभग 12 बजे के आसपास खत्म कर लेते हैं। उसके बाद शुरू होता है असली चैलेंज। डिनर करने के बाद हमारा बॉडी हमसे रेस्ट मांगता है, पर अभी तक हमें काम करते हुए जस्ट 5 घंटे ही होते हैं। अभी और 11 घंटे काम करना तो बाकी रहता है। जब सारा शहर सो जाता है तब हमें सुपर एक्टिव रहना पड़ता है। असम में 35K प्लस वोडाफोन के साइट से इन सभी का जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर आ जाता है। एक छोटा सा भी गलती पूरे डिस्ट्रिक्ट के नेटवर्क को डाउन करवा सकता है। नींद के वजह से हमारे आँख सिकुड़ने लगते हैं, सर दर्द से फटने लगता है, हमारा शरीर जवाब देने लगता है, मगर बार बार कॉफी पीकर चेहरे पे पानी मारकर जैसे तैसे हम लोग अपने आप को काम करने के लिए पुश करते रहते हैं। 5-6 घंटे कंटिन्यू जूझने के बाद होता है सुबह। हमारा मॉर्निंग तो गुड नहीं होता है, लेकिन ये सोचकर राहत जरूर मिलता है कि एटलीस्ट ब्रेकफास्ट के बहाने ही सही हमें थोड़ा सा बाहर निकलने का मौका मिलेगा। हम लोग कभी चाय पी रहे हैं। कुछ घंटे और काम करने के बाद 10:30 to 11 AM तक हमारा शिफ्ट चेंज हो जाता है। तरोताजा होकर ऑफिस में एम्प्लॉइज आना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ हम थके हारे नींद के मारे बस यही सोचते हैं कि काश हमारे पास डोरेमोन का एनीवेयर डोर होता जिससे हम अपने बेड पे डायरेक्ट पहुंच जाते, लेकिन अभी भी हमें कड़ी धूप और ट्रैफिक का सामना करना बाकी रहता है। शुरू शुरू में ये सब हमें काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा था। लग रहा था कि सिर्फ टाइमिंग ही तो चेंज करना है, रात में जागना है और दिन में सोना है, मगर 2-3 दिन के अंदर ही हमें पता चल गया था कि इस नेचुरल स्लीपिंग साइकिल को तोड़ना इतना भी इजी नहीं होने वाला है। अगर हम लोग इसके अगेंस्ट गए तो हमें काफ़ी कुछ झेलना पड़ सकता है। So among people who do shift work, meaning some day shifts, some night shifts, they have increased risk of cardiovascular disease, diabetes, some cancers, early cognitive decline. यहाँ काम करने तो बहुत लोग आते हैं, मगर टिक वही पाता है जो काफी मजबूर रहता है और इसी मजबूरी का फायदा उठाती है कंपनी। वो हमें इंसान नहीं मशीन समझते थे, छोटी छोटी गलतियों पे इस तरह चिल्लाते थे जैसे हम रात में नहीं दिन में पूरे होशो हवास के साथ काम कर रहे हैं। अरे कभी 16 घंटा काम करके तो देखो, 24 घंटे ऑफिस में जाग के तो देखो, कभी डबल ट्रिपल नाइट लगातार शिफ्टिंग लगा के तो देखो, तुम्हें भी पता चल जाएगा रात और दिन का फर्क। ये सब हम दोनों को पहले महीने में ही पता चल गया था कि काम कुछ इस तरह का होने वाला है, मगर फिर भी हम दोनों ने गिव अप नहीं किया क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पैसे कमाने नहीं आए थे, हमारा पर्पस बहुत बड़ा था।